क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हम लोग. यहाँ पर भी हम लोग वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन. सो गुड, ये है हमारे पास y इक्वल टू x tan हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का c. ठीक है, हमारे पास हमारा फंक्शन आ चुका है. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शन है पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, सो प्रोडक्ट रूल. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट ले लेंगे एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है. लिखने की ज़रूरत तो खैर नहीं है बट फिर भी चलिए हम लिख लेते हैं. ठीक है, एंड प्लस 1/2 नेचुरल लॉग, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन नीचे आ जाएगा एंड इसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन हम ले लेंगे इस फंक्शन का. तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2x बिकॉज पावर रूल है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव प्लस 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास tan हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x. ये हो जाएगा 2 टू कैंसिल, माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल बिकॉज दोनों सेम है विद ऑपोजिट साइन है. सो हमारे पास y डैश क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा tan हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x और ये है हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन जो कि हो गया है वेरीफाई. और इसी के साथ हमें मिलते हैं 3 स्टार बिकॉज हमने बहुत अच्छा काम किया है और साथ में हमें जो है आज गुड भी मिल जाएगा, वो टीचर्स की तरह गुड. ठीक है, गंदा सा, वो लोग इतना गंदा गुड दिखते थे समझ ही नहीं आता था कि गुड है कि क्या है. और स्टार से याद आया, हमारे जो है जब हम लोग BS कर रहे थे सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट होता था मुझे लगता था ग्रुप थ्योरी. ग्रुप थ्योरी के जितने भी टाइप्स होते थे, ग्रुप थ्योरी और साथ में जो है हमारे पास एलजब्रा वगैरह और ग्रुप थ्योरी 1 ग्रुप थ्योरी 2, फिर आता था हमारे पास क्या था मॉड्यूल थ्योरी था और साथ में था हमारे पास एक और भी था सब्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा था, मैयर थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मैयर थ्योरी. तो हम लोग कह रहे थे भाई ये कैसे करेंगे, और मुझे ऐसे थ्योरम्स वाले जो है वो पसंद भी नहीं है जो कि याद करते हैं लोग ना, मुझे सोल्यूशन पसंद है, मुझे न्यूमेरिकली जो है वो चीज़ें पसंद होती है. और वो जब हम लोग उसका पेपर दे रहे थे मैंने बोला ओ माई गॉड इसको कैसे करेंगे, उसको सारा लिखते लिखते याद करते थे ना, मुझे लिखना पसंद नहीं था तो हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी वहाँ पे और मुझे मिले थे पूरे के पूरे मार्क्स, क्योंकि थ्योरीज होते हैं इनमें आप पूरे मैथ्स में तो पूरे मार्क्स ही आपको मिल सकते हैं. तो उसमें हमें जो है फुल आउट ऑफ फुल मिले थे, साथ में 1 स्टार भी मिला था. तो हम लोग ज़रा जो है चेकआउट कर रहे थे मिड टर्म के पेपर्स थे, तो हम लोग मैं सबको बोल रही थी ज़रा मुझे दिखाओ ना पेपर, तो ज़्यादातर लोग के पूरे मार्क्स आए थे. लेकिन नई बात ये थी कि स्टार मिला था एक, ठीक है, तो उस पर खुशी हो रही थी कि इतना मुश्किल पेपर हमने पूरे मार्क्स दिया स्टार भी मिला. तो अब मैं सबके साथ चेक करी, मैं कह रही दिखाओ अपनी आंसर शीट, तो कहते हैं कि देखो ये नहीं, मैंने बोला देखो तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है, कहते हैं नहीं दोनों के 20-20 है, मैंने बोला नहीं ना मेरे पास स्टार है तुम्हारे पास नहीं है. तो फिर पूरी क्लास में चेकआउट करने के बाद एक लड़की और आती है मेरी क्लास फेलो, कहती है ये देखो मुझे भी बस स्टार मिला है ना, मैंने बोला बस हम दोनों स्टार है, हमने एक हाई फाइव दिया दोनों एक दूसरे को पूरी क्लास के सामने. तो मैम कहती हैं कि आप लोग बड़े खुश हैं, प्रोफेसर बोलती है ना, तो हमने बोला यस प्रोफेसर, कहते हैं क्यों पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मैंने बोला यस प्रोफेसर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन आपने हमें स्टार भी दिया है ना, तो कहते हैं मैंने गुड और वेल डन भी दिखा है लेकिन किसी के पेपर में था नहीं, तो हमने बोला वो आपने किसी और सेमेस्टर को दिया होगा. तो ये जो स्टार है ये जो बोर्ड है बहुत अहमियत रखता है, कभी कभी इंसान को जो काफ़ी अप्रिशिएट करता है कि वो और भी मेहनत करे. तो वो इतना मुश्किल था और जब हमें वो पेपर मिला ओह माय गॉड बिल्कुल ऐसी ठंडक पहुंची ना, बहुत ही मज़ा आया था. वो हमारा लास्ट सेमेस्टर था एंड दैट वाज सो मच फन. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आइडेंटिफिकेशन, नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, तो अगर कोई इंटीग्रल पहली बार कर रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, और कोई पहली बार नहीं कर रहा तो गुड, उनको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा. तो चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 41 से. 41 से हम जो है सॉल्व करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल को विद क्वेश्चन नंबर 50 तक. सो
होप फॉर द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट की हुई है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। सो व्हाट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो है बट इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होती, ये इंटीग्रेशन जो होती है खाली इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो जब भी खाली इंटीग्रेशन हो हमारे पास विदाउट लिमिट्स, लिमिट्स जैसे एक्स और एक्स स्क्वायर या फिर वन से टू या फिर नेचुरल लॉग ज़ीरो, नेचुरल लॉग वन से नेचुरल लॉग टू, और जैसे साइन हाइपरबॉलिक पाई बाय टू से साइन एक्स तक, ठीक है। ऐसी हमारे पास जब लिमिट्स होती है इंटीग्रेशंस में तो हम उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, खाली होती हैं, देखो दोनों सर्कल खाली हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आंसर में प्लस कांस्टेंट लगाते हैं क्योंकि वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोग फिर इस कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कांस्टेंट को यूज़ नहीं करते बिकॉज यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स पहले से ही गिवन होती है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हम फाइंड कर चुके होते हैं इधर, ठीक है। तो दोनों में ये फ़र्क है। अगेन थोड़ा सा रिपीट करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती। लिमिट्स किस चीज़ क्या होते हैं, जैसे कि एक्स से एक्स टू एक्स स्क्वायर तक, वन से टू तक, फोर से टू तक, नेचुरल लॉग वन से नेचुरल लॉग टू तक एंड अप टू सो ऑन, हमारे पास एक्सपोनेंट में भी आ सकती है, ठीक है। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो होती है जिसमें हमारे पास लिमिट नहीं होती, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन होता है, जिसके आंसर में हम लोग प्लस कांस्टेंट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पास कांस्टेंट नहीं होता और हमने वो फाइंड करना होता है, या फिर कोई भी कंडीशन आ सकती है कि भाई कांस्टेंट को फाइंड करें, ठीक है। तो हम लोग इसमें कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, और इसमें कांस्टेंट का यूज़ नहीं होता बिकॉज यहाँ पर हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को ही फाइंड करते हैं, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द समरी, थोड़ा सा मैंने सोचा करवा दूँ, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी। सो अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी होगी तो आप फिर जो है इसी प्लेलिस्ट में फिर चेकआउट कर सकते हैं, वो मैं शायद इस एक्सरसाइज के बाद बनाऊं बिकॉज अभी जो है ये वाली एक्सरसाइज चल रही है तो मैं बीच में कोई दूसरी वीडियो नहीं बना सकती, ठीक है, फिर जो है वो एक्सरसाइज गड़बड़ हो जाती है। चलिए अब चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 41।